उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोल रहा है। सबसे अधिक वर्षा केंद्रपाड़ा में डिस्ट्रिक्ट राजनगर में 25 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की तो उड़ीसा में साउथ कोस्टल उड़ीसा में तापमान में मार्क राइज ऑब्जर्व किया गया है। लगभग उड़ीसा में सब जगह थोड़ा थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर बात करें हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर बोध में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर का 37.1 डिग्री सेल्सियस और कटक का 36.2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की तो जो नॉर्थ और ट्रफ डिस्कंटिन्यू लाइन है वो विदर्भा से साउथ तमिलनाडु की तरफ जा रही थी, अभी वो झारखंड से साउथ इंटीरियर तमिलनाडु की तरफ, नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा से कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायसीमा से होते हुए अपना साउथ इंटीरियर तमिलनाडु जा रही है, जो कि समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर हाइट पर है। इसके प्रभाव के कारण अगले 5 दिन तक वेदर इस प्रकार रहेगा। आज यानी कि डे 1 में उड़ीसा में सुंदरगढ़, केवंझर, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, अनुगुल, ढेंकरा, कटक, बारगढ़, सोनपुर, बौद्ध, बोलांगीर, कंधमाल, कालांडी, नौपाड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजम, इन जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इस प्रकार 5 तारीख को कोस्टल उड़ीसा, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर में भी एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 6 तारीख को भी कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी में भी एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 7 तारीख को जब अगर हम बात करें साउथ उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बाकी जो बचे आपको ग्रीन कलर दिख रहे हैं वहां पर एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे 4 में वार्निंग भी दी गई है। ये जो वार्निंग है WD के प्रभाव के कारण है। इसमें जो वार्निंग बात करें तो एक दो स्थान पर थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग हो सकती है, जिनमें की जाजपुर, ढेंकनाल, कटक, खुर्दा, नयागढ़, अनुगुल, बोध, कंधमाल, गंजम, गजपति, रायगढ़, करौली, नवरंगपुर, कोरबुट, मुल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर येलो वार्निंग दी गई लाइटनिंग। इस बार डे 5 में भी रेनफॉल होने की संभावना है एक दो स्थान पर। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की तो मैक्सिमम टेम्परेचर में अगले 2 दिन तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखने की संभावना है, उसके बाद ज्यादा नहीं देखा जा सकने संभावना।